आ जाओ आ जाओ, चाय तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, रख दो। उमेर, वो फैसला सुना दिया जो हमने कल रात डिसाइड किया था? कौन सा गुलगुलाने का फैसला कर लिया? फिक्र मत करें फुप्पो, फैसला आपकी बेहतरी के लिए ही है। लो भाई, सुन रहे हो? ये कौन होती है हमारे बारे में फैसले करने वाली? मैं इस घर की मालकिन और उमेर की बीवी। उमेर बोलो ना। डैड, हमने फैसला किया है कि पप्पू और जोया को अपने घर चले जाना चाहिए। है, है? हम क्यों जाएंगे? असल में बात यह है फुप्पो कि आप लोग ऐसे ही आए थे, इतने दिन गुजर गए। जाने तो नहीं देना चाहते आपको, लेकिन हमें एहसास है कि कैसे दिल पे पत्थर रख के आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बहुत खिदमत की आप दोनों ने इस घर की, मगर थैंक यू सो मच, अब आप लोग जा सकते हैं। याद बहुत आएगी आप दोनों की। जोया रुको, बैठो नाश्ता करो। जोया जाने देना, हो सकता है पैकिंग करनी हो। डैड, मेरी भी गार्जियन मीटिंग है, मैं भी निकलूंगा। खुदा हाफिज़। बाय अम्मी। अम्मी ठंडी ग्रीन टी पी रही हैं। सही है, गरम ग्रीन टी का बोले। अफशीन, अफशीन, आप बोले कि आपको गरम ग्रीन टी पीनी है। गरम ग्रीन टी ला दो। गरम ग्रीन टी। नहीं अभी नहीं। उमेर माना कैसे? उमेर का पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की कोशिश की है। अम्मी उमेर की छोटी छोटी सी जिदें हैं जिनको वो खानदान की इज्जत समझता है। मैंने चीज मान ली है कि इस घर के माहौल में मेरी और साथ की दोस्ती की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, तो मैंने खुद से वादा कर लिया कि अब मैं साथ से कभी नहीं मिलूंगी। इसके बदले उमेर ने मेरी कुछ बातें मानी है। वक्त लगेगा, मगर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। मैं हर वक्त अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, और क्यों नहीं होगी। पुरएतमाद हो, गुलबार हो, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी नीयत बहुत नेक है। नसरीन भाभी, अच्छा नहीं किया आपने। भैया भाई छोड़ेगा नहीं।
मैंने क्या किया? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, सब जानती हूं मैं। कंधा सिर्फ उमेर का इस्तेमाल हुआ है, तीर तो आप दोनों ने मिलके चलाए। तो आप भी तो इतने सालों से यही करती नहीं आई हैं। मगर फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा मकसद उमेर के जहन से वो शक की गंदगी निकालना है जो कई सालों से औरत के खिलाफ उसके दिमाग में डाली गई है, इसलिए सबसे पहले मैंने वो जड़ी काट दी है। ऐ लड़की, आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की। बहुत पछताओगी तुम। यही तो गलती हुई है कि कभी किसी ने हिम्मत नहीं की, मगर मैंने हिम्मत कर ली है। अब आपके जो दिल में आता है वो आप करें। देख लूंगी, तुम दोनों को देख लूंगी मैं। जहर खा के मर जाना चाहिए, धक्के मार के हमें घर से निकाल दिए। और क्या आपके भैया भाई ये क्या कर लिया उन्होंने? ऐसे भाई से तो बेहतर है उसका गला दबा के मार दे। हो सकता है भैया भाई, खबरदार अगर बोला कि भैया भाई ने कुछ सोचा होगा, मर गए वो हमारे लिए। किसी की बहू के आगे बैठकर चुप बैठ रहे, मजाल है जो हमारी हिमायत ने एक लफ्ज भी बोला हो, एक लफ्ज। मैं अब उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। And I mean it, अम्मी। यही गलती है जोया तुम्हारी कि तुम हर बात की इंतहा तक पहुंच जाती हो। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा वक्त दो मुझे। सच में कुछ दिन ही है आपके पास, बहुत जल्द आप भी हमारी तरह यूं ही सामान पैक करके इस घर से जाएंगे। मैं बाहर आपका वेट कर, जल्दी ना आई तो कह दीजिएगा अपने भैया भाई से कि आपको गाड़ी में ड्रॉप करवा दें। बहुत अफसोस की बात है, सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे घर से इस तरह जलील करके निकाले जाएंगे और तुम इस तरह खामोश तमाशाई बने खड़े रहोगे। चुप सी गई है ये बात, यहां अब निकलेगी नहीं।